ब्रिटिश रॉयल फैमिली के पास एक नेकलेस है जिसको कोरोनेशन नेकलेस कहा जाता है। दिस नेकलेस कंसिस्टेंटली रैंक्स एज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल नेकलेसेज इन द वर्ल्ड। और इस नेकलेस का असल नाम है द लाहौर डायमंड नेकलेस। When the British captured Punjab from the Sikhs in the March of 1849, they found a treasure beyond their wildest imagination inside the Toshakhana of the Lahore Fort. 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई तो उसके चंद साल बाद कर्नल स्टाइनबाख ने एक किताब लिखी जिसमें उसने ये कहा, It is doubtful that any court in the Europe possesses such treasures as the Punjab. He says कि अंदाजे के मुताबिक महाराजा की मौत के वक्त उसके तोशाखाने में 8 करोड़ रुपए मौजूद थे। अगर हम उस दौर के गोल्ड रेट के मुताबिक कन्वर्जन करें तो वो 8 करोड़ आज के मुताबिक तकरीबन 8 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इमेजिन 8 बिलियन डॉलर्स इन जस्ट हार्ड कैश। वो मजीद कहता है कि रंजीत सिंह के खजानों का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लें कि घोड़ों की सिर्फ लगाम की 1300 किस्में मौजूद हैं, जिनमें सोना चांदी और हीरे जड़े हुए हैं। ये सब चीजें आज कहां हैं? No one knows. Punjab's treasures also included numerous bags of priceless and most beautiful diamonds. वही डायमंड्स जब अंग्रेजों के हाथ लगे तो 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने एक नेकलेस बनवाया जिसको कोरोनेशन नेकलेस का नाम दिया गया, क्योंकि इसको सिर्फ ताजपोशी की तकरीबात या अहम सरकारी फंक्शंस पे ही पहना जाता है। इस नेकलेस को 28 खूबसूरत तरीन हीरे इकट्ठे जोड़कर बनवाया गया। उन 28 हीरों में से कुछ हीरे तो इंग्लैंड से ही हासिल किए गए, वाइल द रेस्ट वर टेकन फ्रॉम द ट्रेजर्स ऑफ लाहौर। इस नेकलेस का टोटल वेट 161 कैरेट्स था, making it the most expensive necklace in the world at that time. लेकिन इस necklace की खासियत इसका pendant stone है, जो इस necklace का सबसे बड़ा और खूबसूरत हीरा है। That pendant stone is known as the Lahore diamond, जो महाराजा रंजीत सिंह के diamond collection का हिस्सा था और पंजाब के तोशाखाने पे कब्जे के बाद विक्टोरिया को 1851 में present किया गया। इस डायमंड का असल वेट 103 कैरेट्स था, दैट वाज कट डाउन बाय द ब्रिटिश एंड नाउ इट वेज ओनली 22.48 कैरेट्स। इसी डायमंड की वजह से इस नेकलेस को लाहौर डायमंड नेकलेस कहा जाता है। इस नेकलेस के साथ साथ विक्टोरिया के लिए 2 पेयर शेप्ड डायमंड इयररिंग्स भी बनवाई गईं और वो हीरे भी पंजाब के तोशाखाना ही की प्रॉपर्टी थे। आज भी इस नेकलेस का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन और महंगे तरीन नेकलेसेस में होता है। इस नेकलेस का जो पेंडेंट स्टोन है लाहौर डायमंड और जो इयररिंग्स के डायमंड हैं, इन तीनों को क्वीन विक्टोरिया ने कोरोनेशन नेकलेस से पहले तैमूर रूबी नेकलेस में इस्तेमाल किया। पंजाब पे कब्जे के बाद डायमंड्स के साथ साथ अंग्रेज पंजाब के प्रेशियस स्टोन्स की कलेक्शन भी उठा ले गए थे। इन्हीं में से एक कीमती पत्थर वो तारीखी और मशहूर तैमूर रूबी था, जो मुगलों की मलकियत था और उनसे होते हुए पंजाब के तोशाखाना की जीनत बना। इसी तैमूर रूबी से अंग्रेजों ने पहले 1853 में एक निहायत खूबसूरत नेकलेस बनवाया, तैमूर रूबी नेकलेस, और ये तीनों डायमंड्स पहले इसी नेकलेस का हिस्सा थे। बाद में 1858 में इन तीनों डायमंड्स को तैमूर रूबी नेकलेस से अलहदा करके कोरोनेशन नेकलेस और इयररिंग्स बनवाए गए। एंड बाय द वे, तैमूर रूबी नेकलेस में जड़े हुए बाकी रूबीज और डायमंड्स भी लाहौर तोशाखाना का ही हिस्सा थे। तो डॉक्टर साहिबा, इट सीम्स के अंग्रेजों की जो भी शान और शौकत है ये तो सारी हमारी ही दी हुई है। जी, ये तो कुछ भी नहीं, न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक स्टडी की है जिसमें उन्होंने कैलकुलेशन की है कि ब्रिटिश इकोनॉमी को ब्रिटिश राज से 45 ट्रिलियन डॉलर का फायदा हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, एंड दे टुक अवे 45,000 बिलियन डॉलर फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। तो ये उसके बावजूद हमें हकारत की नज़र से देखते हैं, इनको तो चाहिए हमारे शुक्रगुजार हों कि इनके पास आज जो कुछ है वो हमारी वजह से ही है। कॉलोनियल निज़ाम एक्सप्लॉयटेशन पे मबनी होते हैं, इसलिए इसको जस्टिफिकेशन के लिए एक नैरेटिव डेवलप करना पड़ता है।
इसी तरह अंग्रेज़ों ने अपनी लूट मार को कवर करने के लिए एक नैरेटिव बिल्डअप किया कि वो हमें सिविलाइज करने आए। जैसा कि अंग्रेज़ राइटर रुडयार्ड किपलिंग ने नज़्म लिखी वाइट मैनस बर्डन, जिसका मतन ये था कि हम सफ़ेद फार्म लोगों पे इस जिम्मेदारी का बोझ है कि यहाँ के लोगों को सिविलाइज करें, जो कि एक मज़ेका खेज बात है क्योंकि हमें हमारी सिविलाइजेशन तो उनसे कहीं ज़्यादा तरक्की पजीर और महजब थी। आप मुगलिया दौर की सोसाइटी का इंग्लैंड की उसी वक्त की सोसाइटी से मुवाजना कर लें, आपको पता चल जाएगा कौन कितना प्रोग्रेसिव था। हम तो आज अपने आप को जिस हालात में देखते हैं वो तो अंग्रेज़ कलोनियलिज्म का नतीजा है। बिफोर दे रूल्ड अस वी वर द रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड, और उन्होंने आज तक अपनी कौम को ये सच्चाई नहीं बताई कि उनको उनका सब कॉन्टिनेंट जाने का असल मकसद क्या था, वरना तो उनकी कौम उनको गालियाँ देगी। और हमने भी तो अंग्रेज़ों के उस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। जी बिल्कुल, मैं अक्सर लोगों को कहते हुए सुनती हूँ कि अंग्रेज़ों ने हमें सिस्टम दिए, एजुकेशन सिस्टम, जुडिशल सिस्टम वगैरह। अरे भाई, अंग्रेज़ों को आने से पहले मुग़ल दौर में हमें दुनिया की अमीर तरीन रियासत थे, तो लोग क्या समझते हैं कि हम सिस्टम के बगैर ही अमीर बन गए थे? अगर रंजीत सिंह के तोशाखाना में 8 करोड़ रुपये नकद मौजूद थे तो क्या आसमान से गिर गए थे? अगर आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर और सिस्टम इफेक्टिव ना हो तो आपकी इकोनॉमी तो डिलीवर ही नहीं कर सकती। हमारे अपने सिस्टम थे और बहुत इफेक्टिव सिस्टम थे, दैट वॉज सिस्टमेटिकली डिसमेंटल्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश। वी जस्ट डोंट नो अबाउट देम, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारी सिविलाइजेशनल सुपीरियरिटी की हकीकत हमारी कलेक्टिव मेमोरी से कम्प्लीटली अरेज कर दिया, और अनफॉर्चुनेटली वी हैव नेवर ट्राइड टू चैलेंज दिस नैरेटिव। तो डॉक्टर साहिबा, एक आखिरी सवाल ये है कि हम अंग्रेज़ों से चोरी और लूट मार के अल्फाज मंसूब करते हैं। कहा जाता है अंग्रेज़ यहाँ के हुक्मरान थे तो ये सब खजाने उनकी मलकियत हैं, और उनसे पहले भी तो हुक्मरानों ने ये खजाने ज़बरदस्ती ही हासिल किए, तो हम उन्हें चोर क्यों कहते हैं? अंग्रेज़ से पहले हुक्मरान इस ज़मीन को अपना के इसको प्रॉस्परस बनाते थे, यहाँ के रिसोर्सेज लूट के अपनी होम कंट्री को अमीर नहीं बनाते थे। अंग्रेज़ ने तो हमारी प्रॉस्परस सिविलाइजेशन को लूट के अपने आप को 46 ट्रिलियन का फ़ायदा पहुँचाया, और जब हमें पूरी तरह निचोड़ के तबाह कर दिया तो आराम से हाथ झाड़ के यहाँ से निकल गए, और इसके बावजूद हमें हकारत की नज़र से देखते हैं, हालांकि ये आज जो कुछ भी हैं हमारी वजह से हैं। सो हम चोरी और लूट मार के अल्फाज अंग्रेज़ों से मंसूब उनके कलोनियल एम्बिशंस की वजह से करते हैं। बदकिस्मती से अंग्रेज के दिए हुए उस बयानिए को तब्दील करना तो दूर की बात, हमने तो उस बयानिए को बाकायदा एक्सेप्ट करके इंटरनलाइज कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से हम आज भी जहनी गुलामी और जहनी पस्ती का शिकार हैं। लाहौर डायमंड नेकलेस तो हमारे उन कल्चरल एसेट्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो अंग्रेज आज भी अपने ऑक्शन हाउसेस और म्यूजियम्स में सजा के दुनिया भर की आवाम को अट्रैक्ट करते हैं और करोड़ों कमाते हैं। जिस तहजीब को ये बुरा भला कहते हैं, उन्हीं की तहजीब को ये लोग अपने सर पे और गर्दन में लटका के अपनी शानो शौकत का इजहार करते हैं। Perhaps that's what Rudyard Kipling meant when he wrote The White Man's Burden. He was perhaps talking about the white man's burden of carrying heavy jewels on their heads and necks that they took away from here.